नवादा जिले के रजौली थाना के प्रांचक गांव में धान के कुंज में आग लग जाने से धान का कुंज जलकर राख हो गया, जिससे लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। किसान द्वारा सूचना दिए जाने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंची। जब तक आग बुझाया जाता तब तक लाखों रुपए का धान व निवारी जलकर राख हो चुका था। किसान राधे प्रसाद ने बताया कि वे मवेशियों को ठंड से बचने के लिए आग जलाकर सोने चले गए थे। इसी बीच रात में अचानक आग की लपटें तेज हो गई, उससे धान के कुंज में आग लग गई। परिवार के सभी सदस्यों के सो जाने के कारण आग लग जाने की घटना की जानकारी नहीं मिल सकी। तब तक लोगों की नींद खुली तब तक अपना आग रफ्तार कर चुकी थी। सुबह जब तक घर के लोग नींद से जगे तो धान के कुंज में आग लगी हुई थी। आनंद फानंद ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने गाँव पहुँच कर आग पर काबू पाया। वहीं किसान राधे ने बताया कि आग लगी की इस घटना में लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ, जिससे उनकी आर्थिक रूप से कमर टूट गई है। हालांकि समाचार लिखे जाने के तक आग लगी की घटना की क्षतिपूर्ति के लिए किसान राधे प्रसाद द्वारा सीओ को कोई आवेदन नहीं दिया। बिहार के लिए नवादा से गौरव कुमार की रिपोर्ट।